जब उत्तरांचल था हमारे पास तो हम पहाड़ और कॉर्बेट तक अटक के रह गए और इसीलिए शायद हमने इंटरलैंड किया नहीं किया। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वो खूबसूरत जगह जो है वो तो केवल हमारे यूपी के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे आएं, देखें और उन चीज़ों को ना ही केवल अनुभव करें, एक अच्छी अनुभूति लेके जाएं, बल्कि अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपने आर्ट, अपनी प्रकृति के बारे में भी सीखें। उत्तर प्रदेश मतलब गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, बहुत बड़ा इतिहास तो वहाँ पे दबा पड़ा है, बहुत बड़ा इतिहास है जिसे आप ढूंढ सकते हैं। और हम क्योंकि जंगलात से जुड़े हुए हैं तो बहुत खूबसूरत, छोटे छोटे ही सही लेकिन बहुत खूबसूरत ऐसे जगह हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। एक ही नेशनल पार्क है हमारे पास, कुल मिला के 6% का फॉरेस्ट एरिया है। फिर भी अगर हम इको टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसकी वजह कि कितना ही छोटा हमारे पास एरिया क्यों ना हो, वो एरिया अपने आप में बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आपको वैरायटी और डाइवर्सिटी उसमें मिलेगी। पूरा तराई का लैंडस्केप हमारे पास है। सबसे खूबसूरत साल फॉरेस्ट यदि आप देखना चाहें तो आप उत्तर प्रदेश आए। बुंदेलखंड का, यदि बुंदेलखंड के जंगलों की खूबसूरती होती है जब आप मानसून में जाते हैं तो उससे ज़्यादा हरा कुछ नहीं मिलेगा। मंदाकिनी के तट पर आप कुछ देर बिता लेंगे तो आपको लगेगा कि इस वक्त तो यहीं पर है, कहीं और क्यों जाए। तो हम चाहते हैं कि ये जो खूबसूरती है ये सब लोगों के लिए उपलब्ध हो सके, सब लोग वहाँ जा सके, इसलिए हम चाहते हैं और इसीलिए हम आज यहाँ आपके पास आए हैं। क्योंकि जो आपकी नीच है जहाँ तक आप लोगों को ये समझा सकते हैं वहाँ तक कोई भी नहीं समझा सकता। प्रेस से हमेशा हम एक सहयोग की उम्मीद रखते हैं कि आप एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे, एक नैरेटिव जो कि पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। हम मेरे बहुत से जानने वाले टूरिज्म में हैं और उनका, बहुतों का ये कहना है कि हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है कि एक घंटे के अंदर आप समुद्र तट से लेकर के शुरू करते हैं और एक डेढ़ घंटे के अंदर आप हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि यूपी के पास भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप आके देख सकते हैं। दुधवा एक ऐसा पार्क है जहाँ पर आपको हर किस्म का लैंडस्केप मिलेगा। आपको काजीरंगा के ग्रास लैंड्स देखने हैं तो आपको दुधवा में मिलेंगे, आपको वेटलैंड्स देखने हैं तो दुधवा में मिलेंगे, आपको सुंदर तराई का जंगल देखना है, यूनिक्स फॉरेस्ट देखना है तो दुधवा में मिलेगा। टाइगर से है, लेपर्ड है, कुछ स्मॉल कैट्स भी हैं। और यूपी ने संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए हैं। आप में से सब लोगों को जानकारी समाप्त हो या ना हो, हमने राइनो इंट्रोड्यूस किया दुधवा में, खत्म हो गया था उस लैंडस्केप से, लेकिन हम उसे वापस लेके आए और अब वहाँ सक्सेसफुली थ्राइव कर पाए। हमने गंगा में जो घड़ियाल खत्म हो गए थे उनको वापस लाया और वो सक्सेसफुल है। आज गंगा में स्थिति यह है कि डॉल्फिन्स भी बढ़ रही है। तो इतनी खूबसूरत चीजें जब हमारे पास हैं तो हम उन्हें क्यों ना लोगों को दिखाएं, ये एक सोच है। दूसरी सोच यह है कि जब हम प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब हम किसी को जानते नहीं तो उसको बचाने की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। आप सब जानते हैं कि आज जो क्लाइमेट चेंज का विषय का हम जी जूझ रहे हैं, जिससे उससे बचने का एक बहुत बड़ा तरीका यही है कि हम अपनी जो प्राकृतिक धरोहर है उसको संरक्षित करें। और उसको संरक्षित करने के लिए हमें आमजन का सहयोग चाहिए। सरकार की पॉलिसीज हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ही है, ये देश हमेशा से प्रकृति के सानिध्य में रह के जीने की कला हमें सिखाता है, हमारी संस्कृति है, उसमें कुछ ऐसा नहीं। लेकिन अब हम वापस उसकी तरफ जोर इसलिए देना चाह रहे हैं कि आज जो हमारी संस्कृति थी उसे पूरी दुनिया समझ रही है। हमने सूर्य को हमेशा एनर्जी के बल के रूप में देखा। आज जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर सोलर एनर्जी का आता है। हम ही ने सीखा, हम अपनी चीज़ों को फेंकते नहीं थे। आप सब जानते हैं बचपन में हम जब घरों में थे, भाई के कपड़े छोटे हो गए तो छोटे भाई ने पहने, उसके छोटे हुए तो और किसी ने पहन लिए। इस ढंग से हो सकता है कि एक समय आया जब कंज्यूमरिज्म एकदम अपने टॉप पे था तो हमें लगा कि ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, लेकिन आज हम साइक्लिक इकोनॉमी के नाम पे उसी चीज़ की तरफ वापस आ रहे हैं। तो हम इको टूरिज्म को भी ऐसे व्हीकल के रूप में देखते हैं कि हम कुदरत के पास जा सकें, कुदरत के महत्व को अपने जीवन में समझ सकें और उस कुदरत को हम संरक्षित कर सकते हैं। मुझे इतना ही कहना है, काफ़ी बातें कर सकती हूँ आपसे लेकिन अभी स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है इसलिए मैं यहीं पे रुकूंगी। आपके अगर सवाल